दोस्तों आज हम सीखेंगे एक्सेल में जीएसटी इनवॉइस फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, वो भी विद लोगो विद सिग्नेचर के। देखिए दोस्तों आपके सामने जो फॉर्मेट बना हुआ है इसमें कंपनी का लोगो भी आया हुआ है और प्रोप्राइटर के सिग्नेचर भी आए हैं, मैनेजर के सिग्नेचर भी आए हुए हैं। तो दोस्तों ये कैसे संभव हो सकता है आज हम इस वीडियो में सीखेंगे और ये फॉर्मेट कंप्लीट बनाना सीखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सुरेश कुमार। दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल टेलीमोटेक पर। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन भी दबाइएगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की तरफ। एक्सेल में इनवॉइस फॉर्मेट बनाना बहुत ही आसान है और सिर्फ 5 मिनटों में ही तैयार हो जाता है। किस टाइप से तैयार होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर लेआउट पर जाएंगे, नीचे 3 बॉक्स दिखाई दे रहे हैं तो इसमें से हम लेआउट पर जाएंगे। लेआउट पर जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने फॉर्मेट तैयार करना है। ऊपर लिखा आ रहा है क्लिक टू ऐड हेडर, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जीएसटी इनवॉइस। दोस्तों यहाँ पर हम कंपनी का जीएसटीआई नंबर दे देंगे, जीएसटीआई नंबर जो भी है। और दोस्तों इधर इस साइड में हम फ़ोन नंबर देना चाहते हैं तो फ़ोन नंबर दे देंगे, मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो मोबाइल नंबर दे देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर मैं 9 सेल्स सेलेक्ट कर लेता हूँ, इसमें सेलेक्ट करेंगे तो इनको मैं थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। थ्री रो लेंगे हम, 3 रो पर लेके हम, मैं बड़ा कर लेता हूँ इसको, मैं मैनेज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा। और दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी कंपनी का नाम डालूँगा, जैसे मैं मेरी कंपनी का नाम डाल देता हूँ MS सक अकाउंट्स, और मैं यहाँ पर इसको सेंटर में कर देता हूँ। दोस्तों मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, मैं ब्लू कलर ले लेता हूँ और साथ में इसका साइज बढ़ा देता हूँ, साइज में 18 कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर आने के बाद में हमने नॉर्मल पर क्लिक करूँगा। देखिए दोस्तों मैंने ऊपर जो लिखा था जीएसटी इनवॉइस नंबर वो यहाँ से गायब हो चुका है, परंतु घबराने की वाली बात नहीं है, वो अपने प्रिंट के अंदर आएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने 4 रो और लेनी है, 1 2 3 4, और मैं इनको सेलेक्ट करके और इसका ऑल बॉर्डर्स बना लेता हूँ। ऑल बॉर्डर बनाने के बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने अब लिखना है यहाँ पर नेम ऑफ पार्टी, नीचे यहाँ पर लिखेंगे पार्टी GSTIN नंबर और यहाँ पर पार्टी एड्रेस। दोस्तों यहाँ पर मैं इसको सेलेक्ट करके और मैनेज सेंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट में क्लिक कर दूँगा। ये 4 रो हमने इस प्रकार से सेलेक्ट कर लिए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हमने लिखना है
इनवॉइस नंबर। फिर लिखना है इनवॉइस डेट, फिर यहाँ पर आएगा दोस्तों सेल्स टाइप, मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लेफ्ट अलाइन कर दूँगा। दोस्तों अब हमने ये 4 सेल्स हैं इनको सेलेक्ट करना है और यहाँ पर मैं मर्ज एंड सेंटर में कर देता हूँ और यहाँ पर मैं अलाइन टेक्स्ट लेफ्ट कर देता हूँ। दोस्तों यहाँ से मैं कॉपी करूँगा इसको एल्ट सी की सहायता से और मैं नीचे वाले तीनों रो पर पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल वी की सहायता से मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमने एक रो छोड़ देनी है, तो दोस्तों यहाँ पर हम सीरियल नंबर देंगे, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सीरियल नंबर और यहाँ पर पर्टिकुलर्स पर हम लिखेंगे HSN कोड, जो आइटम का HSN कोड होगा वो यहाँ पर मेंशन करना है और यहाँ पर लिखा जाएगा क्वांटिटी, इसके बाद में आएगा रेट, फिर आएगा अमाउंट, इसके बाद में दोस्तों आएगा GST ऑपरेट और फिर आएगा इसमें आएगा GST की अमाउंट और दोस्तों यहाँ पर आएगा टोटल। ये हमने इन 9 सेल्स के अंदर हमने मेंशन करना है। सो दोस्तों अब हम इनको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं बोल्ड कर दूंगा सभी को। बोल्ड करने के बाद दोस्तों हम सेलेक्ट करेंगे इसको, हमने अपने हिसाब से एडजस्टमेंट करनी है, 10 या 15 रो तक हम कर सकते हैं। हमने सेलेक्ट कर लिया है और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर मैं ऑल बॉर्डर्स पर क्लिक कर दूंगा, तो ये सभी का बॉर्डर बन चुका है। दोस्तों यहाँ पर हम लास्ट रो के अंदर हमने यहाँ पर जिन चीज़ों का टोटल नहीं लगाना है, जैसे हमने यहाँ तक टोटल नहीं लगाना है, तो हमने यहाँ पर मर्ज एंड सेंटर कर दिया है, यहाँ पर हम टोटल लिख देते हैं, यहाँ पर टोटल आ जाएगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर क्वांटिटी का टोटल आ जाएगा, अमाउंट का टोटल आ जाएगा और यहाँ पर ग्रांट टोटल आ जाएगा। दोस्तों इसके बाद में हमने यहाँ पर GST तो लगा दिया है, परंतु GST अलग अलग बताना है, हमने अलग अलग बताना है कौन कौन सा टैक्स यहाँ पर लगा हुआ है। तो पहले हम IGST लगाते हैं, फिर यहाँ पर CGST लगाते हैं, उसके बाद में हम SGST लगाते हैं, फिर हमने अलग से कोई कॉलम बनाना है डिस्काउंट वगैरह का या लेबर वगैरह का, तो उसका हम बना सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आता है ग्रांट टोटल, तो दोस्तों हमने इनको मर्ज करना है। मर्ज करने के लिए हम मर्ज एंड सेंटर पर जाएंगे, इसी प्रकार हम सभी लाइंस पर हम मर्ज कर देंगे, सभी लाइन को मर्ज कर देंगे और हम इनको सेलेक्ट करेंगे और लेफ्ट अलाइन कर देंगे। और दोस्तों हम इनको सेलेक्ट करके और इनका हम बॉर्डर बना देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हमने कोई ट्रिम्स या कंडीशन लिखनी है, उसके लिए हमने यहाँ पर लिख दिया ट्रिम्स एंड कंडीशन, तो जो भी होगी हमारी यहाँ पर हम टाइप कर लेंगे। दोस्तों इसके बाद में हमने यहाँ तक सेलेक्ट करना है और यहाँ पर हमने बॉर्डर लगाना है, वो आउटसाइड बॉर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर पर
क्लिक कर देता हूँ दोस्तों। इसके बाद में हमने सिग्नेचर के लिए सील लगानी है। उससे पहले दोस्तों यहाँ पर हमने एक रो सिलेक्ट करनी है, उसको हम आउटसाइड बॉर्डर में सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर हम 3 सेल्स लेंगे और इनको हम मर्ज एंड सेंटर में कर देंगे। यहाँ पर हम जो रुपीज़ हैं वो यहाँ पर वर्ड्स के अंदर आने चाहिए, तो यहाँ पर मैं रुपीज एन आर्स लिख देता हूँ और मैं इसको बॉर्डर कर देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर वो जो अमाउंट होगी वो आ जाएगी। दोस्तों इसके बाद में मैं यहाँ पर सील लगाता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 4 सके अकाउंट्स और यहाँ पर प्रोप्राइटर, मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ इसको। और दोस्तों यहाँ पर हमने इसको सेलेक्ट करना है रुपीज से लेके और प्रोप्राइटर तक सेलेक्ट करना है और इसको आउटसाइड बॉर्डर बनाना है। दोस्तों ये हमारा फॉर्मेट लगभग तैयार हो चुका है। दोस्तों हमारा मेन मकसद है अब हमें यहाँ पर कंपनी का लोगो लगाएंगे और साथ में प्रोप्राइटर के सिग्नेचर होंगे, वो कैसे होंगे इसके लिए मैं इसके साइज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। और मैं यहाँ पर पेज ब्रेकअप प्रीव्यू पर क्लिक करूँगा और दोस्तों यहाँ से मैं इस लाइन को ड्रैग करके और यहाँ तक मैं लाके छोड़ दूँगा। दोस्तों मैं यहाँ पर फुल साइज कर लेता हूँ। दोस्तों इसका प्रीव्यू अब कैसा है अब मैं दिखा देता हूँ। ये प्रीव्यू इस टाइप का बना है। दोस्तों यहाँ पर कंपनी का नाम लिखा हुआ है तो इसका बॉर्डर नहीं बना है और साथ में ये बीच में बॉर्डर रह गया है, तो इसके लिए हम तो इसका हम बॉर्डर बना देते हैं। इसको सेलेक्ट करेंगे और सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर लेंगे और साथ में यहाँ पर आउटसाइड बॉर्डर कर देंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं यहाँ पर कंपनी का लोगो कैसे लगेगा और यहाँ पर सिग्नेचर कैसे आएंगे दोस्तों आगे आने वाली वीडियो में बताऊँगा। जो ये पार्टी का नेम है, पार्टी का GST नंबर है और एड्रेस है और साथ में इनवॉइस की डेट है और इनवॉइस नंबर है, सेल्स टाइप है, जो ये अब ऑटोमेटिकली वर्क करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर कंपनी का नाम दिया तो कंपनी का नाम देते ही GST नंबर और एड्रेस वगैरह सब कुछ अपने आप आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पर ये सीरियल नंबर है, पर्टिकुलर्स में जितनी भी आइटमें हैं हमारे पास अवेलेबल हैं तो हम कंपनी की लिस्ट यहाँ पर फिल करेंगे और हमने जो आइटम यहाँ से चूज करनी होगी वही आइटम हम चूज करेंगे, तो उसका HSN कोड अपने आप लग जाएगा और साथ में उसमें अगर रेट आप मेंशन कर देंगे तो रेट भी अपने आप आ जाएगा और साथ में GST कितने परसेंट है वो भी अपने आप आ जाएगा और GST कौन सा लगना है वो भी अपने आप ही डिसाइड करेगा। जैसे हमने यहाँ पर सेल्स टाइप में लोकल दे दिया है तो लोकल में CGST SGST लगेगा और हमने अगर यहाँ पर इंटरस्टेट सेल्स दे दिया है तो IGST अपने आप लगेगा। तो आने वाली वीडियो में ये सभी ऑप्शनों के बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों मेरे आगे आने वाली वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो अभी हम चलते हैं लोगो की तरफ, हम लोगो लगाना है, लोगो किस टाइप से लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो दोस्तों यहाँ से मैं पिक्चर पर क्लिक करूँगा। पिक्चर पर क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ से मैं ये मेरी कंपनी का लोगो है तो मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ और इंसर्ट पर क्लिक कर देता हूँ। तो दोस्तों ये बड़ा सारा लोगो आ चुका है तो इसको हमने छोटा करना है।
छोटा करने के लिए यहाँ से मैं ड्रैग कर दूंगा। उसके बाद में ये देखिए दोस्तों, इसका साइज छोटा होता जा रहा है, लगभग सेट हो चुका है। इसी प्रकार दोस्तों मैं यहाँ पर सिग्नेचर लाना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ कि एक बार सिग्नेचर आ जाए और बार बार मेरे को सिग्नेचर ना देने पड़े, तो इसके लिए मैं इंसर्ट पर वापस जाऊँगा और पिक्चर पर क्लिक करूँगा। यहाँ पर मेरे सिग्नेचर पड़े हैं तो मैं इनको इंसर्ट कर दूँगा। इंसर्ट करने के बाद दोस्तों ये कुछ इस टाइप का हो गया है, जो हमारे को दिख नहीं रहा है, तो मैं यहाँ पर इसको पकड़ के ड्रैग कर दूँगा, ये सेट हो गया है। तो दोस्तों इसको देखने के लिए मैं प्रिंट प्रीव्यू भी जाऊँगा और यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, या फिर मैं यहाँ से यहाँ पर मैं कंट्रोल के साथ F2 प्रेस करूँगा, इससे भी मेरा प्रीव्यू शो हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर ये लोगो भी आ चुका है और साथ में सिग्नेचर भी आ चुके हैं। तो दोस्तों ये था लोगो और सिग्नेचर लाने का बेस्ट तरीका। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा कंपनी का लोगो और सिग्नेचर कैसे किए जाते हैं। दोस्तों अगर ये तरीका समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब करके दोस्तों बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।